वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ निहारिका और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। इन प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे पसंद है और इसलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ इन्हें। वैसे भी आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे कि आपको वीडियो देखना है लाइक अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पे, तो ये रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैं इन्हें बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मतलब या तो बहुत टाइम के लिए कर चुकी हूँ या तो अभी भी यूज़ कर रही हूँ, कुछ ऐसा है। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों ने अलग से रिक्वेस्ट भी बहुत किया लेकिन किसी ने शायद स्टार्टिंग के वीडियोज़ नहीं देखे क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, ये है स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। ठीक है, मेरे पास यहाँ जो शेड है वो है गोल्डन पिंक। इसमें दो शेड आते हैं, गोल्डन पिंक एंड सिल्वर पिंक, तो मैंने गोल्डन पिंक लिया बिकॉज आई एम बिट येलो टोन। तो ये जो आपका इल्यूमिनेटर मेकअप बेस है, दिस इज लाइक स्ट्रोक क्रीम, ये कोई प्राइमर नहीं है, ये स्ट्रोक क्रीम की तरह आप समझिए, पर ये बहुत ज़्यादा लाइक ग्लोई क्रीम है। तो ये बेस्ट होता है कि आप किसी के साथ मिक्स करें या फिर मेकअप अप्लाई करने से पहले इसको अपने फेस पे अप्लाई करें। ये एकदम ही आपको लाइक सुपर ग्लो ही फिनिश देता है, एकदम से ड्यूईनेस, और बहुत ही अगर आपको जो भी मेकअप चाहिए वो लाइक ग्लोई चाहिए, शाइनी चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसका जो कलर है वो कुछ इस टाइप का है, ऐसा येलो, पर जब आप इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे लाइक दिस, आप देख सकते हैं इसमें पिंक शाइन है, पिंक येलो शाइन, ये कुछ ड्यूओक्रोमेटिक टाइप शाइन देता है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ब्लश, और ये मेरा काफ़ी फेवरेट ब्लश है, ये है वेट एंड वाइल्ड कलर आइकन ब्लश और ये शेड है मेलो वाइन। यस, आई नो लोगों को ज़्यादातर इसके जो रेंज में है वो पेयरसेंट पिंक शेड पसंद है, पर मुझे वो शेड बिल्कुल नहीं पसंद, उसमें शिमर है और मुझे शिमर वाले ब्लश नहीं पसंद। ये शेड मुझे इतना ज़्यादा पसंद मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ मेलो वाइन। आई नो आपको लगता होगा कि ये डार्क स्किन के लिए, पर ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल शेड है और इसे कोई भी स्किन टोन यूज़ कर सकता है। तो मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ, मैं इसे जैसे आप ब्रॉन्जर और कंटूरिंग करते हैं अपने फेस पे, मैं उसी तरीके से इसको यूज़ करती हूँ। यानी मैं इसे जहाँ पे आप अपना कंटूर लगाते हैं मैं वहाँ पे इस ब्लश को अप्लाई करती हूँ और सिर्फ अपने फेस के इतने पॉइंट तक ला के इसको ब्लेंड छोड़ देती हूँ, मतलब ब्लेंड करके छोड़ देती हूँ, इसको आगे तक नहीं लाती हूँ क्योंकि ये मेरे स्किन टोन पे काफ़ी डार्क लगेगा। तो मैं इसे एज अ ब्लश नहीं, एज अ ब्रॉन्जर की तरह ट्रीट करती हूँ, तो मैं सिर्फ इतने पार्ट तक इसको ब्लेंड करना पसंद करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब मैं डायरेक्ट देखती हूँ तो मेरे फेस को एक अच्छा सा चीज़ लुक मिलता है, मेरे जो चीक बोन्स होते हैं वो बहुत अच्छे से हाईलाइट होते हैं, प्लस वो नेचुरल भी लगता है क्योंकि अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ब्लश ही दिख रहा है, कोई ब्रॉन्जर या ब्राउन टाइप चीज़ नहीं दिख रही, आपको सिर्फ ब्लश ही दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है साइड से भी और फ्रंट से भी। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैंने आपको बहुत बार रिकमेंड किया इसे, मैं फिर से बता रही हूँ, ये है वेट एंड वाइल्ड का 3-in-1 प्राइमर वाटर। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और क्योंकि ये प्रोडक्ट सारे काम आपके करता है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, कन्वीनियंट है, कैरी करना आसान है, ट्रैवल फ्रेंडली है, और अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो ये काफ़ी अच्छा है ट्राई करने के लिए क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। एज अ प्राइमर ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है क्योंकि अब सीजन भी चेंज हो रहा है, सभी की स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने लगती है इस पॉइंट पे, मेरी भी होने लगती है, इवन ऑयली स्किन वाले भी थोड़े से ड्राई होने लगते हैं। आप इसको लीजिए, अच्छे से स्प्रे करिए, आपका फेस बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा, इवन आपको मॉइस्चराइजर की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेट, लंपी एंड ड्यूई दिखने लगेगी और आप अपना मेकअप कर सकते हैं। ये एज अ सेटिंग स्प्रे भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि जब मेकअप करने के बाद आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये आपके मेकअप को काफ़ी ड्यूई छोड़ता है, एकदम ग्लोई फिनिश देता है। जैसे लोगों ने मुझसे पूछा अब मेकअप करना है, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप का बेस्ट होता है कि सेटिंग स्प्रे यूज़ करिए, और उस केस में ये लाइक 3-in-1 काम करता है, मतलब एक ही प्रोडक्ट आपका सारा काम कर रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट टू परचेज। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मुझे सडनली बहुत पसंद आया और मैंने उन्हें परचेज किया, ये है सुस ब्यूटी के आई लाइनर्स।
ठीक है, ये सुस ब्यूटी के इंटेंस जेल काजल आईलाइनर, मतलब जेल आईलाइनर है या जेल काजल के नाम से आपको मिलेगा ये। कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आते हैं ऐसे, ठीक है। ये लेटेस्ट है, मैंने बहुत से वीडियो में इनको यूज़ किया, ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब अच्छे टाइम तक रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। इनका कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है, मेरी जो वाटर लाइन है वो काफ़ी वाटरी है लेकिन ये बहुत अच्छे से टिका रहता है और बहुत अच्छा कलर पे ऑफ देता है। तो मैंने इसके काफ़ी शेड परचेज किए हैं, मैंने ये वाइट इसमें लिया है रिसेंटली, मेरे पास ग्रे है, एक्चुअली ये स्मोकी शेड है, देन ये टर्कोइस है और ये है इलेक्ट्रिक ब्लू जो कि मैंने एक वीडियो में यूज भी किया था। यस, ये थोड़े लाइक मैट नहीं है, ये आप कह सकते हो थोड़े से शिमरी टाइप के ये आईलाइनर है, पर फिर भी आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूजली क्या होता है जो शिमरी वाले आईलाइनर्स होते हैं उनका पिगमेंट उतना अच्छा नहीं होता जितना मैट का होता है, पर इनका काफ़ी इंटेंस पिगमेंट है और ये वाटरप्रूफ भी हैं। यस, दे आर वाटरप्रूफ और ये बहुत स्मूथली अप्लाई होते हैं, बहुत स्मूथली, आपको ज़्यादा यू नो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये निक्स का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम। ये लाइक शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये है शेड कांस। यस, ये 600 रुपये की कुछ है लेकिन आपको डिस्काउंट में पक्का मिल जाएगा इस टाइम पे। तो ये कुछ ऐसा दिखती है, सो आप देख सकते हैं ये कुछ पिंक न्यूट कलर का है, थोड़ा सा पीच टोन है और ये बहुत अच्छा लगेगा फेयर टू लाइट मीडियम स्किन टोन पे। और लाइक ये मेरा आजकल सबसे ज़्यादा फेवरेट शेड है, भले ये लिप क्रीम है तो लिप क्रीम थोड़ी सी ड्राइंग हो सकती है कुछ देर बाद, ये बात पक्की है, पर अगेन ये शेड बहुत प्यारा है। सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है फॉरेस्ट एसेंशियल का डेलिकेट फेशियल क्लिनजर। दिस इज लाइक फॉर ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन, पर मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सेकेंड बॉटल है, लाइक पहली बॉटल मैंने यूज़ कर डाली, मैंने स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे। ये बहुत ज़्यादा जेंटल है, बहुत ज़्यादा कि आपका जो ऑयल्स होता है वो उसको रिमूव करता है पर आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता है। भले ये ऑयली स्किन के लिए, मैंने जो ड्राई स्किन के लिए वाला अभी तक ट्राई भी नहीं किया, पर ये मुझे इतना सूट किया कि मुझे उसको ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सीरियसली बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, अगर आप कॉम्बिनेशनल स्किन है तो आप पक्का इसको ट्राई करके देखिए। लाइक जैसे कि मैं पर्सनली, मुझे फेस वॉश यूज़ करना ज़्यादा पसंद नहीं, जब ज़रूरत होती तभी मैं करती हूँ, और कभी कभी होता है ना कि ऑयली हो जाता है आपका टी जोन, तो मैं सिर्फ उतने ही पार्ट पे फेस वॉश करती हूँ जो कि ऑयली हो गया है, पूरे करने पे क्या होता है कि बाकी पार्ट मेरा और ड्राई होने लगता है, तो मतलब मैं ऐसे यूज करती हूँ। पर ये बहुत अच्छा है, ये मैं नॉर्मली पूरे फेस पे अप्लाई कर सकती हूँ बिना सोचे, और ये मेरे फेस को लाइक क्लीन करता है, ड्राई अप नहीं करता, क्लीन करता है, मेरे ऑयल्स हटा देता है और बहुत ही सही है, मतलब मन करता है मेरा फेस वॉश करने का। ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है ब्रश, और ये है वेट एंड वाइल्ड का P53 ब्रश। ये आपने देखा होगा, ये इनका कुछ स्पेशल आया था, फायर एंड आइस करके कुछ प्रोडक्ट्स आए थे और ये उस एडिशन का कंटूर ब्रश है, ठीक है, आप देख सकते हो दिस इज लाइक नाइस डिज़ाइन। तो ये वैसे ये पार्ट उतना हैवी नहीं है, लाइट है, पर ये ब्रश बहुत अच्छा है, लाइक बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो ये सुपर फ्लफी एंड राउंड है और ये बेस्ट है, लाइक आप ब्रॉन्जिंग कर सकते हो, कंटूरिंग कर सकते हो, इवन आप पाउडर अप्लाई कर सकते हो, ब्लश भी कर सकते हो, पर इसके लिए थोड़ा छोटा है, पर दिस इज लाइक सुपर सॉफ्ट, सुपर फ्लेक्सिबल, आप देख सकते हैं इसके हेयर्स इतने ज़्यादा शाइनी है, इसका शेप इतना अच्छा है कि बहुत ईजी है, लाइक अगर मुझे यहाँ पे करना है तो ये आराम से आप देख सकते हैं कितनी नाइसली ये बेंट हो जाता है, आप आराम से कोई भी पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बहुत सॉफ्टली ये ब्लेंड कर देता है सब कुछ, सुपर ऑसम प्रोडक्ट। ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, आप सोचोगे ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चन आते हैं। आप अक्सर पूछते हो, बहुत से लिपस्टिक होते हैं, आईलाइनर्स होते हैं, कि उनको शार्पन कैसे करें, बहुत से तो प्रोडक्ट के साथ शार्पनर मिलता है लेकिन बहुत से प्रोडक्ट्स के साथ शार्पनर भी नहीं मिलता, तो हम शार्पन कैसे करें। तो आप लैक्मे का अगर खोलोगे, आप सर्च करोगे तो लैक्मे का शार्पनर आता है जो कि कुछ इस टाइप का होता है, दिस इज लैक्मे शार्पनर, ये डुओ शार्पनर होता है और ये सही में लाइक कुछ 60 रुपीज़ का आता है,
खैर प्राइस जो भी हो, पर ये डुओ है और डुओ में आप देख सकते हो यहाँ पे दो साइज है, एक छोटा साइज और एक बड़ा साइज। ये शार्पनर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लाइक सारी की सारी अगर आपको शार्पनिंग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक शार्पनर में होता है ना कभी कभी प्रोडक्ट घुसता नहीं है, लाइक प्रोडक्ट बड़ा है आपका पेंसिल बड़ा है तो शार्पनर में नहीं घुस रहा, या फिर बहुत छोटा है तो वो फिट नहीं हो रहा और शार्पन नहीं कर पाते हो। ये इसमें आपका सब कुछ फिट आ जाएगा, अगर प्रोडक्ट बड़ा भी है तो आपके इसमें आराम से आ जाता है, छोटा है पेंसिल है पतला पेंसिल है वो इसमें आ जाता है। तो मुझे आज तक ऐसा कोई प्रोडक्ट मिला ही नहीं जिसे मैं शार्पन ना कर पाऊँ इसकी हेल्प से। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शार्पनिंग की तो आप बस ये प्रोडक्ट ले लो और ये आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है, एकदम आराम से। तो या नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है दिस मेकअप रेवोल्यूशन। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अब बहुत सारी सेल आने वाली है या जो भी आने वाला है, आप लोग अक्सर पैलेट पूछते हो, अगर आप एक न्यूट्रल पैलेट चाहते हो, वैसे भी अब तो टाइम ऐसा है कि बेटर होगा कि आप एक न्यूट और सटल पैलेट रखो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये है वेलवेट रोज, मेकअप रेवोल्यूशन का रिलोडेड वेलवेट रोज पैलेट। ये प्रॉपर न्यूट पैलेट है और बहुत सटल है, और इसके जो शेड हैं ये बेस्ट पैलेट मैं कहूँगी अगर आपको एक न्यूट पैलेट चाहिए। अगर आप इस प्राइस में अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, वैसे भी सेल के टाइम पे काफ़ी सस्ता हो जाता है, लाइक 600 से 800 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसके जो ब्राउन शेड हैं, जो ब्राउन शेड है इसमें, वो सभी ब्राउन हैं जो कि किसी भी स्किन टोन पर वर्क कर सकते हैं, मतलब आप चाहे डार्क स्किन टोन हो तो भी आपको अपने हिसाब का ब्राउन मिल जाएगा, आप लाइटर हो तो भी मिल जाएगा, लाइक नॉर्मल लुक से सुपर ग्लैम लुक, स्मोकी लुक, कोई भी लुक आपको क्रिएट करने की इस पैलेट की तो ज़रूरत पड़ेगी। और ये पैलेट में सभी टाइप के ब्राउन, ब्लैक और जो भी बेसिक शेड्स होते हैं ना ट्रांजिशन शेड, वो सभी इसमें हैं। तो आई थिंक अगर आप सोच रहे हैं ऐसा पैलेट तो आप इसको ज़रूर लीजिए, दिस इज़ वेरी गुड, वेरी पिगमेंटेड पैलेट। सो गाइज, जो लास्ट है वो अगेन एक पैलेट है और ये है स्विस ब्यूटी का पैलेट, जो कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे अलग से रिव्यू का, जो कि देखते हैं फ्यूचर में। ये है स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट, दिस इज द वन, और ये है इन द शेड, इसमें कई शेड आते हैं, ये 02। ये मैंने अपने मेकअप किट वाले में भी इसका सजेशन दिया था। ये काफ़ी सही प्राइस में है, और अगर ये आपको लाइक आपको अचानक से ऑब्वियस है कि जो ब्लश पैलेट आते हैं वो बहुत सस्ती नहीं होते, आपका 400 से 500 रुपए लग जाता है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 मैट ब्लश शेड मिल रहे हैं। तो ये जो ब्लश शेड है बहुत ही अच्छे शेड है, यहाँ पे पिंक है, पीच है, मॉव शेड है, थोड़ा सा कोलर शेड है, मतलब जो बेस्ट शेड होते हैं ब्लश के वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके दो हाइलाइटर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लाइक वाइट फिनिश में है, शैम्पेन टाइप, और ये थोड़ा पिंक टोन में है, तो ये बहुत अच्छे है आपके, आप दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हो, ठीक है। इवन यहाँ पे जो कंटूर मिल रहा है, ये दोनों शेड भी बहुत अच्छे हैं, वर्सेटाइल हैं। हाँ, बहुत डार्क नहीं ज़रूर मैं कहूँगी, पर यहाँ पे आपको ये ग्रे टोन का, ग्रे पर्पल टोन का जो कंटूर शेड मिल रहा है ये बेस्ट होता है कंटूरिंग के लिए, क्योंकि जो आपकी शेडोज होती हैं वो ग्रे कलर की होती हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपके फेस पे शेडो क्रिएट करेगा। और ये है वार्म टोन का आपका शेड, इसको आप एज अ ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकते हो, एज अ कंटूर भी। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पैलेट, और ये जो है ये है 02 शेड। सो गाइस, ये था वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आते हैं मेरे रिकमेंडेशंस तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो